रूस यूक्रेन युद्ध अभी थमा भी नहीं और अजरबैजान और आर्मेनिया में लड़ाई शुरू हो गई है। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे दोनों देश 2020 में भी नागोर्नो काराबाख पर कब्जे के लिए जंग लड़ चुके हैं। तब अजरबैजान की जीत हुई थी। अभी नागोर्नो काराबाख और आर्मेनिया के बीच जो सीमाई इलाके में लड़ाई चल रही है, दोनों देशों की तरफ से कई सैनिक मारे गए हैं। चलिए आपको बताते हैं दोनों देशों के बीच आखिर ये खूनी संघर्ष खत्म क्यों नहीं होता। लड़ाई का इतिहास। दोनों देशों के बीच टकराव का इतिहास काफी पुराना है। 1980 के दशक से ये लड़ाई चलती आ रही है। आर्मेनिया का सबसे बड़ा समर्थक रूस है। अभी यूक्रेन के साथ युद्ध में वो फंसा है। रूस ने पश्चिमी देशों के लिए गैस सप्लाई बंद कर दी है। अजरबैजान एक बड़ा गैस उत्पादक देश है। उसको लगता है पश्चिमी देशों की गैस सप्लाई कर वो उन्हें अपने पाले में कर सकता है। अजरबैजान का तुर्की के साथ सैन्य समझौता है और तुर्की अपनी सैन्य ताकत के दम पर आर्मेनिया को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं रूस दोनों देशों की लड़ाई में बेहद संभल कर चलता है। पिछली बार भी रूस ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई थी। वो आर्मेनिया के खिलाफ खुलकर कभी नहीं आता। नागोर्नो काराबाख के लिए लड़ाई 2020 में 6 महीने चला था युद्ध। 2020 में करीब 6 महीने दोनों देशों के बीच युद्ध चला था। तब अजरबैजान की एक तरफा जीत हुई थी। बताया जाता है इस युद्ध में दोनों देशों के तकरीबन 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। युद्ध के बाद नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान का कब्जा हो गया। नागोर्नो काराबाख 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला एक इलाका है। दोनों देशों के बीच रूस कहाँ है? रूस दोनों ही मुल्कों को अरबों डॉलर के हथियार बेचता है। आर्मेनिया में रूसी कंपनियों ने बड़ा निवेश कर रखा है। यहाँ तक कि आर्मेनिया में रूस का महत्वपूर्ण सैनिक ठिकाना भी है। आर्मेनिया के नागरिक बड़ी संख्या में रूस में काम करते हैं। अजरबैजान के भी बहुत से लोग रूस में काम करते हैं। रूस के उद्योगों ने अजरबैजान के तेल उद्योग में निवेश कर रखा है। अजरबैजान के अपने नागरिकों में कुछ तो रूसी मूल के लोग भी हैं। इन वजहों से ये माना जा रहा है कि रूस अजरबैजान और आर्मेनिया के संघर्ष में कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लेता। माना जाता है कई सालों तक चले इस हिंसक टकराव में दोनों तरफ से करीब 30,000 लोग मारे गए थे और 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी बन गए थे। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।